अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल प्योर हार्ट विद मेदीहा। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टू टिंकिंग फॉर माय फर्दर वीडियो। बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, आलू गोश्त एक ऐसी डिश है जो कि हर एक का ऑल टाइम फेवरेट होता है। मैं आपको बनाना आज सिखा रही हूँ देगी स्टाइल आलू गोश्त, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट में बनेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 5 से 6 बड़े डोंगे वाले चम्मच ले लिए थे घी के। आप ऑयल भी इसमें डाल सकते हो। और घी ऐड कर लेने के बाद इसमें मैं डालूंगी मटन। मटन जो था विद बोन था, यानी कि हड्डी के साथ था, और वो आधा किलो गोश्त मैंने इसमें डाल दिया अच्छा सा धोकर। इसको मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका कलर हो जाएगा वाइट। ये देखें, 5 से 7 मिनट लगते हैं और ये अच्छा सा वाइट कलर में अच्छा सा भुन जाएगा। इसके बाद इसमें डाल दिए हैं मैंने मैजिक मसाला। मैजिक मसाले का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 5 डोंगे वाले चम्मच मैजिक मसाला के डाल दिए हैं। 2 चाय के चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच इसमें डालूंगी नमक, 1/2 चाय का चम्मच डाल दूंगी इसमें हल्दी। हल्दी डाल लेने के बाद दरमियानी आग पर 8 से 10 मिनट तक मैंने इसे अच्छा सा भूनना है। 8 से 10 मिनट तक अच्छा सा ये भुन जाएगा। जब ये इस पोजीशन में आ जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी 4 गिलास पानी के। नॉर्मल जो गिलास होता है वो यूज़ किया है। 4 गिलास पानी के डाल दिए और पानी डाल लेने के बाद इसको मैं फिर कवर कर लूँगी। एक दफ़ा मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इसे कवर कर लिया। 25 से 30 मिनट तक कवर करके रखना है। अगर आप ये बीफ में बनाओगे तो उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। और इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ मेन जो टिप है, आपने क्या करना है कि इस तरीके से आपने गोश्त को निकालना है और आपने चेक करना है। हाथों से मत कीजिएगा, बहुत ही गर्म होता है। तो मैं क्या करूँगी, स्पून से अब आपको दिखा रही हूँ। 80-85% गोश्त गला हुआ होगा। देखें, एकदम से नहीं वो टूटा, हल्का सा मैं खींच लूँ तब जाके वो टूट रहा है। 80-85% तक जब गोश्त गला हुआ होगा, फिर इसमें मैंने 4 बड़े साइज़ के आलू लेकर उसे मैंने छिलका रिमूव करके और उसे मैंने कट करके जिस तरह से आलू गोश्त में डालते हैं सबको पता होता है, वो मैंने आलू इसमें डाल दिए। और इसके बाद मैं इसमें 1 चाय का चम्मच डाल रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया और इसको मैं मिक्स करके भूनूंगी, अच्छा सा भून लूँगी एक दफ़ा। और इसके बाद जब घी इसका सेपरेट होने लग गया, यानी कि घी इसका अलग होने लग गया, फिर इसमें मैं डाल दूंगी 2 गिलास पानी के। अब जो मैंने पानी डाला है वो एक तो इसका सूप तैयार करेगा यानी कि शोरबा तैयार करेगा, दूसरा आलू को वो गलाएगा। और जो गोश्त गलने में कसर है, पहले तो 80-85% था ना, अब जो पूरा पकना है वो इस टाइम पे अब आके पकेगा। इसको मैं कवर कर आग बिल्कुल हल्की करके और इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो हीट पर मैं इसे पका लूँगी। मिट्टी की प्याली को धोकर मैंने इसे गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको बिल्कुल रेड होने तक अच्छा सा इसे गर्म कर लेना है। इसके बाद जब आलू और गोश्त बिल्कुल गल गए पक गए, उसके बाद मैंने फ्लेम को कर लिया है ऑफ। 5 मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, होममेड है, मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ। और गरम मसाला डाल लेने के बाद वो जो मिट्टी की प्याली बिल्कुल हमने गर्म की हुई थी ना, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। साथ ही मैं इसे कवर कर दूँगी और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही कवर रखूँगी। हेयर इज़ द फाइनल लुक। अब देखें, थोड़े से इंग्रेडिएंट जो घर में ही सारे मौजूद होते हैं हर किसी के, आलू गोश्त सब हर किसी के घर में बनता है, लेकिन हर किसी के घर का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। ये देगी स्टाइल आलू गोश्त, अगर आप एक एक चीज़ को, एक एक मेथड को ऐसे ही फॉलो करोगे ना, तो आपका बहुत ही बेहतरीन वाला ऐसा आलू गोश्त बनने वाला है। तो ईद पे लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। एंड फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे वाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।